लेट अस स्टार्ट टुडेस जर्नी। हमने एक से लेकर चार नंबर तक की जर्नी हमने लास्ट क्लास में करी थी। आज हम करेंगे जर्नी नंबर पांच से शुरू, पांच की जर्नी। पांच नंबर क्या कहता है? पांच नंबर बुध का नंबर है। एक बड़ी सी सिंपल सी बात, पांच नंबर वाले फ्री बर्ड होते हैं, यानी कि अपना तबला और अपनी बात। अपनी बात बोलने में सक्षम होते हैं, अपना कम्युनिकेशन करने में सक्षम होते हैं, और एक कहावत के रूप में अगर देखा जाए, अपनी जपली अपना राग। पांच नंबर उनके मन में जो बात आती है वो बात बोलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ये लोग। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होते हैं, बड़ी लविंग और एक विजनरी मोटिवेटेड पर्सनालिटी होते हैं। दे आर चार्मिंग पीपल, दे लव टॉक टू द पीपल। इन्हें लोगों से संपर्क बनाना, घूमना फिरना, रिलेशनशिप करना, बातचीत करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है वो आकर्षित होती है, इनसे लोग कनेक्ट होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ डिफरेंस। द ब्यूटी इज लिटिल डिफरेंट, अ टाइम्स पीपल मे नॉट बी दैट ब्यूटीफुल बट दे आर, they have a power to connect, they have a power to create attraction. It's like chimpak hota hai, chimpak chupak chupakne wala, chumbakiya pradav. Beauty ke sath insaan chipke ye koi juri nahi hai, but attraction ke sath insaan chipke, usme attraction power hai. The number 5 is the power of attraction. Apne mic ko please mute karenge jab tak uski zarurat na pade. That kind of personality they are very impulsive talkers. And they're ready to speak on any subject. They're able to generate support for themselves, and they are always inclined to give support to the people. They are changeable. They are very flexible. इन्हें आजादी पसंद है। इन्हें आजादी दोगे, ये लोग जीवन को खुशी से जिएंगे। इन्हें आजादी नहीं मिलेगी, ये घुटे के अंदर ही अंदर। इनके अंदर से एक फीलिंग रहेगी घुटन की, जैसे इनका किसी ने गलत बोल दिया, इन्हें ऐसी फीलिंग आएगी। और अगर इनको यहीं पे आजादी मिल जाए तो ये लोग अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि अपने साथ जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर दे वो व्यक्ति को तार दे। वेरी वर्सेटाइल पीपल, इंजॉयिंग डूइंग variety of things in life, and they are restless but little impatient. They are constructive approach people, they are optimistic approach people, they are not pessimistic or they are not negative approach people. By virtue of their destiny itself, the number itself, they enjoy every moment of life. They want to enjoy every moment of life. They are very adaptable. जैसी सिचुएशन होगी वैसी फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट कर लेंगे अपने लिए। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोले तो बिजनेस सफलता इनके साथ चलती है। पांच नंबर वालों के साथ बहुत सुपर अट्रैक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ गणित का। गणित का मतलब यहाँ पे बिजनेस की अट्रैक्शन, पैसे की अट्रैक्शन, गणना की अट्रैक्शन, गल्ले की अट्रैक्शन। गल्ला इनके हाथ में दे दो, which means आज के तरीके से इनके हाथ में कैश कलेक्शन दे दो, इनके हाथ में प्रॉफिट दे दो, इनके हाथ में बैंक दे दो, हिसाब किताब में पक्के एक नंबर के, ना रुपया लेंगे ना रुपया देंगे, पक्के हिसाब किताब। ये रुपया देना था तो ये दे रहे, ये लेना था तो ये दे दो। ऐसा नहीं है कि समझेंगे सब कुछ बोलेंगे देख के, नजरअंदाज कर रहा है इनको भारी पड़ता है। ये लोग नजरअंदाज के पात्र नहीं होते, क्योंकि इनका जो बुद्धि होती है ना, बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ये, बुद्ध वाले लोग हैं ये। इन्हें ना हर चीज समझना आती है, पेपर व्यक्त करते हैं पेपर नहीं करते, परिस्थितियों के अनुसार, जैसे मैंने बोला था चेंजेबल है, अडेप्टेबल है, अपने आप को बैंड कर लेते हैं, और जरूरत के अनुसार
बोल जाते हैं, नहीं तो चुप्पी खींच जाते हैं, नहीं तो पी जाते हैं। नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको नोट फॉर्मेट में मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। पांच नंबर वाले लोग दिल को छू जाते हैं, बिल्कुल छू जाता है। इनके अंदर उत्साहित एक एंथुसियाज्म बहुत होता है। ये बड़े पढ़ाकू या रीडिंग की संख्या इंसान होते हैं, इनको लिखना पढ़ना मजा आता है। दे लव राइटिंग, दे लव रीडिंग, दे एंजॉय इट। पांच नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, उनके फेस में एक बचपना का फील होता है, उनकी आवाज में, उनकी टोन में, उनकी फेस पे, उनकी फीलिंग में एक बचपने जैसा फील होता है। पांच नंबर वाले अगर हस्बैंड होंगे, दे लव फूड, दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। मतलब हस्बैंड से मेरा मतलब यहाँ पे मेल लगा देना, मेल मेंबर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के साथ ज्यादा से समझ में जल्दी आता है एक्चुअली हमें, तो इसलिए हमने हस्बैंड बोल दिया, बट मेल मेंबर लगा लेना यहाँ पे। बट दे आर फाउंड ऑफ फूड, दे लव ईटिंग, उन्हें मजा आता है खाने में, खाने का शौक होता है, नीटनेस का, क्लीनिंगनेस का शौक होता है, डेकोरेशन का शौक होता है, बच्चे इनको प्यारे लगते हैं, और घूमने फिरने का शौक होता है। यहीं पर अगर लेडीज हुई, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे अरेंज थिंग्स वेरी गुड, दे आर मैनेजेबल, दे आर वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। बट इनके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दे आर अपने में दिखता नहीं है, बट अपने में जरूर होती है। मतलब ये कि वो व्यक्ति, पांचवा वाला व्यक्ति, अपने को हमेशा अहम देता है, मैं हमेशा अपने को आई एम फर्स्ट, भली फीलिंग अंदर से होती है, दिखेगी नहीं। जब मैंने एक नंबर की बात की थी ना कल लास्ट टाइम में, तो एक नंबर वाले की जो अपनी अहम है ना, वो दिखेगा, प्राउडी फीलिंग दिखेगी, पांच नंबर वाले की दिखेगी नहीं। बट दे ऑलवेज हैव इंटेंशन फ्रॉम इनसाइड दैट दे आर वन, दे पुट देमसेल्फ फर्स्ट, दिखती नहीं है। लेकिन पांच नंबर वाले बड़े ही ट्रिकी लोग होते हैं, जो चीजों को समय के अनुसार छिपा जाते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, दिखने नहीं देते। पांच नंबर वाले लोग या लेडीज की बात हुई थी, तो पांच नंबर वाले लोग, दे आर वेरी वेल मैनेजेबल, दे आर वेरी गुड होम मेकर्स। जो भी काम इनको दो, वो बड़ी परफेक्शन के साथ और ड्यूटीफुली करते हैं। अगर इनको क्रिटिसिज्म भी दोगे ना, तो क्रिटिसिज्म भी ये बड़े तरीके से लहजे में बात करेंगे, ये ठीक। पांच नंबर वाले लोग अगर जिनका बर्थ डेट पांच ही है, मतलब पांच नंबर, तीन तक की बर्थ डेट आएगी ना, बर्थ डेट एक पांच आएगी, एक चौदह आएगी, एक तेईस आएगी, करेक्ट है, ठीक बात। एक पांच आई, एक चौदह आई, एक तेईस आई, तीन आएगी ना, सही बात, सबको समझ में आई बात, ये किसको नहीं है समझ में जाती, सबको समझ में। अब थोड़ी सी बात करते हैं पांच नंबर पे, तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या होगा, दो लाइन का डिफरेंस बात समझते हैं। जिनकी पांच नंबर के अंदर पांच ही आया, इन लोगों को, ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस नॉलेज, दे आर वेरी शार्प, बट दे आर लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी ह्यूमरस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज होता है पांच नंबर का। बट इनको अल्कोहल और नॉनवेज की सिचुएशन थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इनको अल्कोहल और नॉनवेज पे आकर्षित नहीं रहना चाहिए। जो चौदह नंबर वाले होंगे ना, जिसमें एक और चार का मिश्रण है, तो पांच नंबर, उनमें अहम थोड़ा ज्यादा होगा। ये ऐसे लोग होंगे, इनमें एक ऐसी ट्रिक होगी जो अपने अट्रैक्शन से ना काम निकालने में सक्षम होंगे, अपना काम निकाल लेते हैं।
they're very smart. पांच नंबर की खूबी मिलेगी, एक और चार साथ मिलेगा, एक का अहम मिलेगा, चार की चतुर बुद्धि मिलेगी और पांच की ट्रिक मिलेगी। नंबर को जोड़ना सिखा रहा होता, जोड़ना सीखना, अगर आपने नंबर जोड़ने सीख लेना आप न्यूमरोलॉजी सीख गए, अगर आपने नंबर जोड़ने नहीं सीखे आप कितने भी कोर्स के बाद न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकते, गारंटेड। क्योंकि जितने भी कोर्स लोग बनाते हैं ना बाजार में, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। कहाँ से होते हैं? नंबर का कॉम्बिनेशन, नंबर के नौ जो डिजिट है ना स्टार्टिंग पे, उन्हीं के तत्वों को कंबाइंड करके नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी साइंस। बट मेक बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि लोग कोर्स के ऊपर कोर्स करते हैं, नथिंग। सो लर्न टू, हम पूरी जर्नी में बात करेंगे इन चीजों पर, learn to combine the number to make the combinations and then it becomes very easy। कई लोगों ने यहाँ पे आज इसमें शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि कई लोगों ने एक और चार नहीं किया, यानी कि पिछले वाली क्लास रिवाइज नहीं करी है, तो पिछले वाली क्लास रिवाइज कर लोगे, आगे की जर्नी में आप रिलेट कर पाओगे। जिन्होंने किया वो समझना, एक नंबर क्या था, लीडर, बॉन्ड लीडर, चार नंबर क्या था, चतुर दिमाग, ठीक, बॉन्ड लीडर और चतुर दिमाग, उन दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा, स्मार्ट ट्रिकी पर्सन, इतने मजबूत, अपने काम को निकालने में बहुत बढ़िया, मस्त, सिचुएशन को डील करने में मस्त, लोगों को इंस्पायर करने में मस्त, डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकालने में मस्त, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी जो इनको, ये दे आर द परफेक्ट बिजनेस पीपल, दे आर द परफेक्ट बिजनेस पीपल, पर थोड़े बूढ़ी होते हैं, थोड़े हकीले होते हैं, इन्हें कूल रहने की जरूरत होती है, दे नीड टू बी कूल इन टू दी डिफिकल्ट सिचुएशन, they need to become an inspiration for the others, in a wojo yes this number do number chandma three number guru chandma suksham guru dimag wala aur panch intellectual ye log enjoy karte hain life friends family mein har jagah pe enjoy karte hain apne friends family ko bade importance dete hain। They are very thoughtful, they are sweet heart, and अपने relationship की कदर करते हैं, you know, bonding बड़ी अच्छी बना लेते हैं, और उनके जो thoughts होते हैं ना, विचार जो होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सुंदर विचार होते हैं। Finance के मामले में नंबर पांच in totality, finance के मामले में नंबर पांच वाले जो लोग होते हैं बड़ी सूझबूझ के साथ पैसे का खर्चा करते हैं, जनरली पैसे वेस्ट नहीं करते, उनका परसेप्शन ऐसा होता है सामने वाले के लिए कि यार ये व्यक्ति जो ना पैसा जो है उड़ा देता है या पैसा खर्च करता है, लेकिन ये लोग खर्च नहीं करते जल्दी से। पांच वाले लोग पैसे का कदर करते हैं और एक एक पैसे को समझ के खर्च करते हैं, पांच नंबर वाले लोग। तो पांच नंबर के पास ये ब्यूटी है, पांच नंबर वाले लोग का लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दो ब्रेन होते हैं, ये बात सबको पता है। पांच वालों नंबर वालों का लेफ्ट ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, ये वेरी गुड एनालिटिकल एनालिसिस की सिद्धि बहुत अच्छी होती है, या सॉल्यूशन मेकर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम जो लोग करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, ये लोग एनालिटिकल बहुत अच्छा करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पिकिंग फॉल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, पिकिंग एरर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, पांच नंबर वाले, इसलिए ये लोग इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, एडिटर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी रिटर्न ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। पांच नंबर वाले लोग ओवरऑल इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर इन टर्म्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी ओवरऑल पर्सनैलिटी, इसे स्ट्रॉन्ग कर, पांच नंबर, ये हमने पढ़े पांच नंबर के ट्रेट्स।